खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी पर कांग्रेसी नेताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता गौरव मिश्रा और नीलकंठ ठाकुर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कलेक्टर प्रभात मलिक को अनियमितता से अवगत कराते हुए पुनः जांच कर काउंसलिंग में पारदर्शिता पूर्वक पद स्थापना करने की मांग की है। पद रिक्त है उस स्कूल में यदि कोई पात्र शिक्षक हैं तो उनको पहली प्राथमिकता देनी है। यदि वहाँ पर प्रधान पाठक ऑलरेडी पहले से है तो दूसरे स्थान में देना है संकुल स्तर पर। ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं जिसके कारण हम लोग काफ़ी आक्रोशित होकर के और हमारे जनपद से भी, चूंकि मैं भी शिक्षा समिति का सदस्य हूँ, हमारे गौरव मिश्र उपाध्यक्ष जी हैं, अभी ज्ञापन सौंपा गया है और निश्चित रूप से इसमें जाँच की मांग करेंगे अच्छी तरीके से, और नहीं होगी तो फिर घेराव किया जाएगा। गरियाबंद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि प्रधान पाठक पदोन्नति में जो काउंसलिंग में प्रधान पाठकों को जो जगह उन लोगों ने चयन किया था उसके विपरीत जाकर डीओ ने आदेश जारी किया है, उन लोगों का व्यवस्था ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया है। ये किस हिसाब से, कौन से नियम के हिसाब से हुआ है? जब काउंसलिंग में कोई आदमी जगह चयन करता है उसके अलावा आप आदेश दूसरी जगह कैसे निकाल सकते हैं?